Good morning students today we will learn about the second topic of first chapter diversity in the living world it is also known as biodiversity bio means something living diversity means variety so we can define biodiversity as it is the occurrence of a wide variety of लाइफ फॉर्म्स डिफरेंग इन मॉर्फॉलोजी साइज़ कलर एनाटमी हैबिटेट एंड हैबिट्स या फिर हम यूँ कहें कि अर्थ कंटेनिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स इवन द माइक्रोगैनिज्म सो एनिमल यू कैन सी देर इज सो मच वराइटी इन द टाइप्स ऑफ एनिमल्स प्लांट्स कितने ज़्यादा हैं प्लांट्स कितने डिफरेंट हैं इवन माइक्रोगैनिज्म दैट यू कॉन्ट सी विद द नेकड आई दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अ लॉट मैनी फॉर्म्स और दे आर प्रेजेंट इन अ वाइटी अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेशन देयर आर वन पॉइंट सेवन से लेकर वन पॉइंट एट मिलियन स्पीशीज आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ एंड आउट ऑफ दीज वन पॉइंट टू फाइव मिलियन जो हैं वो हैं एनिमल्स और पॉइंट फाइव मिलियंस वो हैं प्लांट्स सो इतनी ज़्यादा वराइटी जो है दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द अर्थ ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लाट्स एंड माइक्रोगैनिजम्स दैट इज़ नोन एज द बायोडावर्सिटी मिलियन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डेट आर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड they uh, they have different names means according to area we have uh, plants we call them with some names they have some local names and uh, similarly animals and uh, even the microorganisms we will name with our local language so the naming of something is known as the nomenclature 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 what is nomenclature namkaran karna nomen means लैटिन वर्ड है ये नॉमन का मतलब होता है नेम एंड क्लियर का मतलब होता है कॉल किसी को नाम से बोलना उसको हम बोलते हैं नॉमन क्लेचर इट इज़ साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग डिस्टिंक्ट एंड प्रॉपर नेम्स टू ऑर्गेनिजम्स क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि जो प्लांट्स हैं वो कितने हैं कितने प्लांट्स की मैंने आपको बताया है पॉइंट फाइव मिलियन कैन वी रिमेंबर ऑल द नेम्स ऑफ द पॉइंट फाइव मिलियन नो दैट

और जो जैसे मैंगो है आज मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है मैग्नीफरा इंडिका तो ये नाम जो साइंटिफिक नेम्स हैं उन उनके लिए कुछ एक इंटरनेशनल कोड्स होते हैं कुछ एक सोसाइटीज़ हैं जो कुछ एक बायोलॉजिकल सोसाइटी है जो कि इनको नामकरण करती हैं जैसे कि एक है आईसीबीएन, आईसीएन, बी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नामन इसका क्या काम है ये प्लांट्स को नेमिंग करती है जितने भी प्लांट्स हैं उनकी नेमिंग करने के लिए ये संस्था है और दूसरा है आई सी जेड एन एस आईसी जैड एन उसका नाम है कोड ऑफ जोलॉजिकल नामन तो जोलॉजी का मतलब ये है कि दैट विल गिव द नेम्स टू तो द एनिमल्स सो तो नेम्स जो हैं उनको हम बोलते हैं बायोनॉमिकल बायोनोमियल नॉमनक्लेचर वट इज़ बायोनोमियल बाय मीन्स दो ठीक है किसी भी नाम को दो अक्षर में लिखना उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल नॉमन क्लेचर ये फर्स्ट टाइम कि दिया था कार्ल लेनियस ने इन सिस्टम दिया था किसी भी चीज़ का जैसे प्लांट का या एनिमल्स को जो हमने नाम देना है इवन द माइक्रोगैनिजम्स के भी नाम हैं तो उनको हमने बायोनोमियल नॉमन देना है जो फर्स्ट नेम होएगा फर्स्ट नेम दो नाम है जैसे मैग्नीफरा इंडिका ही हम मैंने आपको बताया मैंगो का नाम है तो मैग्नीफरा जो है इसमें वो जेनरिक नेम है और इंडिका जो है वो उसका क्या नाम है स्पेसिफिक नेम है तो नॉर्मन क्लेचर किसी भी चीज़ का नाम जो है उसको हम ऐसे ही नहीं बोल सकते उसके लिए कुछ एक रूल्स हैं मैं आपको रूल्स बता दूँ देर आर फोर रूल्स जैसे मैग्नीफरा इंडिका ही मैंने आपको हम लेकर चल रहे हैं तो फर्स्ट रूल क्या है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन लैटिन इज़ अ लैंग्वेज एंड रिटन इन अटैलिक वट इज़ अटैलिक आप अपने फ़ोन में किसी भी एक की देख सकते हो जो जितने जब भी हमने किसी प्लांट का नाम लिखना है या एनिमल का नाम लिखना है दिस इज़ रूल दैट वी हैव टू हैव रिटन इन अटैलिक फॉर्म मतलब जो स्ट्रेट uh, जो है आपको नहीं दिखेगा ये थोड़ा टिल्टेड आपको दिखेगा तो अटैलिक का आप आप की देख सकते हो एंड दूसरा है कि जो फर्स्ट uh, वर्ड होगा जो बायोलॉजिकल नेम होएगा वो जीनस रिप्रेजेंट करेगा और जो सेकंड नेम होएगा वो स्पेसिफिक होएगा जहाँ हम उसको कहेंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेगा स्पीशीज़ जैसे मैग्नीफेरा में मैग्नीफेरा की हो गया जेनरिक मीन्स जीनस एंड इंडिका मीन्स स्पीशीज एंड थर्ड वन इज़ कि दोनों जो नाम होंगे दोनों वर्ड जो बायोलॉजिकल नेम होंगे दे हैव हैंड राइटर अगर आपने उसको हैंड कॉपी पे लिखना है तो यू हैव टू हैव अंडरलाइन अंडरलाइन का मतलब क्या होगा अटैलिक क्योंकि हम जब लिखेंगे तो उसको अंडरलाइन करेंगे दैट इज़ ऑल्सो अ रूल एंड थर्ड फोर्थ वन इज़ दैट कि जब भी हमने साइंटिफिक uh, नाम लिखना है या बायोनोमियल नोम क्रेचर करना है किसी भी ऑर्गेनिज्म का एनिमल का या प्लांट का तो जैसे मैग्निक में आप देखो यहाँ पे एम क्या है वो कैपिटल लिखा हुआ है और आई क्या है वो स्मॉल है तो जीनस का फर्स्ट नेम हमेशा कैपिटल होगा और स्पीसी जो है दैट इज ऑलवेज रिटन विद अ स्मॉल लेटर राइट इंडिका जो है स्पीशीज़ जो है वो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखी जाएगी सो वाई वी गिव सम आइडेंटिफिकेशन वाई वी गिव अ आइडेंटिफिकेशन एंड वाई वी गिव दैम नॉमन क्लेचर नॉमन क्लेचर हम क्यों करते हैं क्योंकि जैसे मैंगो है मैंगो को पंजाब में बंगाल में इवन इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में देर आर डिफरेंट नेम्स एंड इफ़ विल गो आउटसाइड दैट विल ऑल्सो लोकल नेम जो होंगे वो क्या है डिफरेंट है अब आप किसी और कंट्री में चले जाए और उसको आप मैं बोल रहे हो उसको लोकल नाम से अगर बोल रहे हो तो दैट विल क्रिएट अ कन्फ्यूजन सो वी हैव टू गिव द नॉमन क्ल्चर और टू ईच एंड एवरी स्पीशीज ऑन द अर्थ सो सिंस इट इज़ पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गैनिज्म इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइज सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल और इस इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं क्लासीफेसन क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है क्लासीफाई करना क्लासीफिकेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटू कन्वीनियंट कैटेगरीज और ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसिस दिस इज नोन एज द क्लासिफिकेशन Therefore, categories or taxonomic categories represent distinct biological entities. The various categories are kingdom, phylum, class, order, family, genus, and species. So, what is taxonomy? Other term is taxonomy taxo so, uh, this is a greek word that is taxis means arrangement nomus means law so it is the branch of study that deals with the principles and procedures of identification nomenclature and classification of organisms इन सबकी स्टडी को प्लांट को जो एनिमल को हमने उसका नामन क्लेचर करना है उसकी कैसे आइडेंटिफिकेशन करनी है कैसे इसकी क्लासिफिकेशन करनी है सब की स्टडी को हम क्या बोलते हैं टेक्सोनोमी सो एंड एन अदर थिंग आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन आपने क्या है आइडेंटिफिकेशन इज द फाइंडिंग ऑफ करेक्ट नेम एंड प्लेस ऑफ एन ऑर्गैनिजम इन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सो दिस इज़ नोन एज आइडेंटिफिकेशन And the other term is the key. Key hoti hai? it is a list of alternate characters arranged in such a manner that by selection and elimination one can easily identify an organism as to its name and position. So this is the key. And one more definition that I want to share with you that is the systematics. Systematic again a Greek word and systema system order or sequence. Systematics is a term used with taxonomy and it is meaning of its a give a sequence. A proper sequence is known as the systematic. So, students, what we have done today under the topic of diversity in the living world, the definition of biodiversity, then nomenclature, classification taxonomy identification and the meaning of key and systematics for further query you can contact at my whatsapp group thank you